नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामयं पदाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीमत्पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साक्षरातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुण ललिता श्रीविशाखान्वितांशं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरूपस्य कृपा सिंधु कैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज अत्यंत ही पावन और पवित्र दिन है क्योंकि आज हमारी लाडली श्रीमती राधा रानी का जन्मदिन है और आज इसी पावन अवसर पर हम राधा रानी के विषय में थोड़ा श्रवण कर लेते हैं। ये राधा कौन है, इस राधा शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताते हैं कि राध्यते यया सा राधा राधैव आराध्यते मया। क्या बता रहे हैं? राध्यते यया सा राधा राधैव आराध्यते मया, अर्थात जो मेरी सेवा जो मेरी प्रेमा भक्ति जो मेरी आराधना प्रेम पूर्वक करता है प्रत्येक क्षण प्रत्येक स्थान निरंतर बिना रुके करता है वो है राधा। राध्यते यया सा राधा। भगवान यहाँ पर इसका दूसरा अर्थ भी बताते हैं। क्या बता रहे हैं? कि जिनकी सेवा जिनकी प्रेमा भक्ति जिनकी आराधना मैं निरंतर करता हूँ वो है राधा। क्या? राधैव आराध्यते मया। तो यहाँ पर क्या है? जो जो मेरी सेवा प्रेमा भक्ति से आराधना से करती है प्रत्येक क्षण प्रत्येक स्थान निरंतर बिना रुके करती है वो है राधा। और दूसरा जो मेरी जिस जो मेरी सेवा जो जिनकी सेवा प्रेमा भक्ति आराधना मैं निरंतर करता हूँ वो है राधा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत ने राधा रानी के विषय में बताते हैं कि राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दोई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। यहाँ पर क्या बताया गया है? राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दोई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। यहाँ पर राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दोई वस्तु भेद नाही, उन दोनों में कोई भेद नहीं है शास्त्रेर प्रमाण, ऐसा शास्त्र में प्रमाण दिया है।
उन दोनों में भेद नहीं। भगवान कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं और राधा रानी कृष्ण के बिना अधूरे हैं। यदि भगवान कृष्ण सूर्य है तो राधा रानी उसका प्रकाश, यदि भगवान कृष्ण चंद्र है तो राधा रानी उसका शीतल प्रकाश है। वो दोनों अभिन्न हैं। अभी कौन से वेद में शास्त्रों का प्रमाण दिया है? शास्त्र का प्रमाण दिया है ना, यहाँ पर शास्त्रीय प्रमाण लिखा है। कौन से शास्त्र में लिखा है? हमारे लिए तो वेद ही सर्वोपरि प्रमाण है। कौन से वेद में? हमारे चार वेद है, उसमें से एक वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्रमाण मिलता है कि यस्याः पादरेणु विलुंटन, क्या? यस्याः पादरेणु विलुंटन, अर्थात परब्रह्म जिनकी चरण रेणु पाने के लिए लोटपोट होते हैं, नतमस्तक होते हैं, वो है राधा। क्या होते हैं? यस्याः पादरेणु विलुंटन, जो परब्रह्म जिनकी चरण रेणु पाने के लिए लोटपोट होते हैं, विलुंटन होते हैं, नतमस्तक होते हैं, वो है राधा। अभी ऋग्वेद में आगे बताते हैं कि एकम ज्योतिर अबुद्वेदो राधा माधव रूपकम, क्या बता रहे हैं? एकम ज्योतिर अमुद्वेदो राधा माधव रूपकम, क्या है? परब्रह्म यदि दो देह धारण करे तो उनका एक रूप होगा राधा और दूसरा रूप होगा माधव, क्या? राधा माधव रूपकम, क्या? राधा माधव रूपकम। परब्रह्म यदि दो रूप लेंगे तो एक राधा होगा और दूसरा कृष्ण, एक आत्मा और दो रूप। ऋग्वेद में आगे बताते हैं कि हरेर अर्ध तनुम राधा, राधाय अर्ध तनुम हरि, क्या बता रहे हैं? हरेर अर्ध तनुम राधा, राधाय अर्ध तनुम हरि, यहाँ पर बताते हैं कि हरि की अर्थांगनी है राधा। क्या है? हरेर अर्ध तनुम राधा, और राधा के पुरुष रूप है हरि, राधाया अर्ध तनुम हरि। आगे ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा रानी से पूछा जाता है कि कृष्ण कौन है, तो राधा रानी इसका उत्तर देते हुए कहती है, मम एव पौरुषम रूपम गोपिका मनमोहनम, क्या है? मम एव पौरुषम रूपम गोपिका मनमोहनम, कि मेरा ही पुरुष रूप है कृष्ण। क्या है? मम एव पौरुषम रूपम, मेरा ही पुरुष रूप है। गोपिका मनमोहनम, जो गोपिया का मन मोह लेता है वो है कृष्ण। आगे भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि राधाय माधवानैव, माधवानैव राधा, क्या है? राधाय माधवानैव, माधवानैव राधा, राधा के बिना माधव नहीं। राधाय माधवानैव, नैव मतलब नहीं, राधा के बिना माधव नहीं, और माधव के बिना राधा नहीं, माधव के बिना राधा नहीं, माधव नैव राधा। तो अभी शास्त्रों का प्रमाण तो बहुत हो गया, अभी हम श्रीमती राधा रानी की सुंदर लीलाओं का थोड़ा श्रवण करते हैं। राधा रानी सदैव अपने भक्तों के साथ सुंदर सुंदर लीलाएं करती है ना? श्रीमती राधा रानी ने ऐसे ही हमारे छठ गोस्वामियों के साथ भी कुछ सुंदर लीलाएं की हैं। हमारे प्रमुख श्री रूप गोस्वामी पाद के साथ भी हम राधा रानी ने बहुत ही सुंदर लीला की है। श्री रूप गोस्वामी पाद
टेक कदम नामक गांव में रहकर अपना भजन करते थे। ये टेर कदम नाम ग्राम नंदग्राम और रियावत के बीच में पड़ता है। आज भी हमारे भक्त टेर कदम नामक ग्राम में जाकर श्री रूप गोस्वामी पाद के भजन कुटीर का दर्शन करते हैं। और इसी स्थान पर श्रीमती राधा रानी ने श्री रूप गोस्वामी पाद के साथ एक बहुत ही सुंदर लीला की है। तो चलिए अभी हम उस सुंदर लीला का थोड़ा सा श्रवण करते हैं। एक दिन की बात है, श्रील सनातन गोस्वामी टेर कदम में रूप गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी पाद से मिलने आए। तो श्रील रूप गोस्वामी ने के मन में विचार आया कि मैं इनको स्वीट राइस खिलाऊं, पर उनके पास स्वीट राइस बनाने के लिए साधन सामग्री ही नहीं थी। तो वहाँ पर गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी ने इनकी इच्छा सुन ली। और हमें तो पता ही है कि राधा रानी सदैव अपने भक्तों की सेवा करने में तत्पर रहती हैं। तो राधा रानी ने एक साधारण बालिका का रूप लिया और स्वीट राइस की सामग्री लेकर वो श्री रूप गोस्वामी पाद के कुटीर के बाहर आ गई। उनके पास कौन सी सामग्री थी? दूध, शक्कर और चावल। तो श्री रूप गोस्वामी पाद बाहर आए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बालिका है। तो श्री रूप गोस्वामी पाद ने उस बालिका को सब कुछ बताया कि मेरे घर पे श्री सनातन गोस्वामी आए हैं और मुझे उनको स्वीट राइस बनाकर खिलाना है, पर मेरे पास उसकी साधन सामग्री ही नहीं है। तो बालिका श्री रूप गोस्वामी पाद से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ये स्वीट राइस बनाने की साधन सामग्री लाई हूँ। तो श्री रूप गोस्वामी पाद सोचने लगे, इस बालिका को कैसे पता कि मुझे ये साधन सामग्री चाहिए। तो वो सोचने लगे कि पर मुझे स्वीट राइस बनाना तो आता ही नहीं है। ये भी इच्छा श्रीमती राधा रानी ने पढ़ ली उनकी मन की इच्छा। तो उन्होंने तुरंत बोला कि अगर आपको अच्छा लगे तो क्या मैं आपको स्वीट राइस बनाकर दे सकती हो। तो श्री रूप गोस्वामी पाद को तो स्वीट राइस बनाना नहीं था, तो उन्होंने कह दिया ठीक है तुम बना तुम। तो राधा रानी स्वीट राइस बनाने लगी। जब वो स्वीट राइस बना रही थी तो उसकी सुगंध कुटीर के चारों तरफ फैल गई। और जैसे ही राधा रानी ने स्वीट राइस बना लिया, उसके बाद वो अप्रकट हो गई। फिर जब वहाँ श्री रूप गोस्वामी पाद आते हैं तो उन्होंने देखा कि वो बालिका तो वहाँ है ही नहीं। तो वो सोचने लगे ये कहाँ गई। फिर उन्होंने वो स्वीट राइस भगवान कृष्ण को दिखाया और सनातन गोस्वामी को सर्व किया। जैसे ही सनातन गोस्वामी ने उसे खाया तो वो परमानंद के अनुभव में डूब गए और डूबते ही गए। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने श्री रूप गोस्वामी पाद से पूछा कि यह स्वीट राइस किसने बनाया है। तो श्री रूप गोस्वामी पाद ने सारी कहानी बताते कि वो लड़की है, वो बालिका आई, फिर उसने स्वीट राइस बनाया ये सब। तो श्री सनातन गोस्वामी उसी वक्त समझ गए कि ये स्वीट राइस राधा रानी के अतिरिक्त कोई नहीं बना सकता। तो वो श्री रूप गोस्वामी पाद पर गुस्सा हो गए और उन्हें डांटने लगे कि क्या कर रहे हो तुम, हाँ तुम राधा रानी से सेवा करा रहे हो। हम राधा रानी के सेवक हैं, ना कि राधा रानी हमारी सेवक। तुम्हें रोज अपने घर से अपने कुटीर से निकलकर मधुकरी करनी चाहिए, तुम्हें भिक्षा मांगनी चाहिए। हम राधा रानी के सेवक हैं, राधा रानी हमारी सेवक नहीं। और वो दुखी हो गए। पर अगर कोई दूसरा सनातन गोस्वामी के अलावा कोई होता तो सोचता कि स्वयं राधा रानी आई मेरे लिए स्वीट राइस बनाने के लिए, से गर्व होता। पर श्री सनातन गोस्वामी भी दुखी हुए।
तो देखिए, ऐसे थे हमारे श्री सनातन गोस्वामी। तो हमारी राधा रानी ने ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ भी ऐसी एक लीला की है, हम उसे सुनते हैं। एक बार श्रीरूप गोस्वामी ने राधा स्तोक्त करके एक बुक लिखी, वो काटू पुष्पांजलि नाम उसका बुक का नाम था। तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसे पढ़ा, उसमें वर्णन दिया गया था, रूप गोस्वामी पाद ने लिखा था कि राधा रानी के वेणी, राधा रानी के केश एक सांप के फन जैसे हैं। जैसे उन्होंने यह पढ़ा, रघुनाथ दास गोस्वामी को ऐसा लगा कि ये तो गलत है, ऐसे कैसे कोई स्वयं राधा रानी के वेणी की तुलना सर्प के फन की कर सकते हैं। उन्होंने ये गलत समझा। तो एक दिन, बहुत ही पवित्र दिन था, उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी और एक यमुना नदी के तट पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपना भजन कर रहे थे। तो उन्होंने एक और चंद्र बहुत ही ज्यादा चमक रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था चंद्र। तो वो राधा कुंड के यहाँ पर बैठे थे और भजन कर रहे थे। तो उन्हें एक सामने कदम्बा ट्री दिखा, वहां पर एक बालिका एक झूला उस ब्रांच पर लटकाई हुई थी और वो झूला झूल रही थी और उसकी सखिया उसे झूला दे रही थी। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा कि वो बालिका बहुत ही सुंदर है, उसके बाल बहुत स्मूथ और पीठ पर ऐसे एक लाइन की जैसे बिखरे हैं। तो राधा रानी ऐसी बैठी थी कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उसे भी देख सके और उसके बालों को भी, उसके बैक को भी। तो जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस बालिका के बाल देखे तो उन्हें लगा कि उसके पीठ पर कोई सांप, काला सांप चल रहा है। तो वो चिल्लाए, अरे ओ मूर्ख बालिका, तुम खेल में इतनी मग्न हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे पीठ पर एक काला सांप चल रहा है। वो भाग भाग कर उस बालिका को बचाने गए और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर तो कोई सांप है ही नहीं, वो तो उस बालिका के केश थे। बाकी उसकी सारी सखिया रघुनाथ दास गोस्वामी पर हंसने लगी और अचानक ही अप्रकट हो गई। उसी वक्त रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए कि यह कोई और नहीं, श्रीमती राधा रानी ही है जो मेरा इस कंफ्यूजन को दूर हटाने के लिए, जो प्रमाण देने के लिए कि उनके केश सर्प के फन जैसे हैं, वो स्वयं वहां प्रकट हुई। तो उन्होंने कहा कि श्रील रूप गोस्वामी पाद का वो लिखा सही था। तो देखिए, हमारी राधा रानी कितनी कृपामय है, कितनी दयालु है, जो उस एक उनके एक भक्त की एक छोटी सी कंफ्यूजन थी वो उसे दूर करने के लिए स्वयं अपने सखियों के साथ प्रकट हुई लीला करने के लिए। देखिए हमारी राधा रानी कितनी कृपामय है। ऐसे ही राधा रानी ने श्यामानंद पंडित के साथ भी एक बहुत ही सुंदर लीला की है, हम उसे सुनते हैं। एक श्यामानंद पंडित का जन्म मेहंदीपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। वो जन्म से ही चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही बड़े भक्त थे। उनका बचपन का नाम था दुखिया। दुखिया ने अपना एक स्पिरिचुअल मास्टर बनाया, हृदय चैतन्य। हृदय चैतन्य अंबिका कला में रहते थे। हृदय चैतन्य ने अपने शिष्य दुखिया को एक नया नाम दिया, कृष्णदास। उन्होंने कृष्णदास को वृंदावन भेजा श्रील
जीव गोस्वामी बात श्रील जीव गोस्वामी के पास उसे भक्ति शास्त्री सीखने के लिए। तो कृष्णदास श्रील जीव गोस्वामी के पास भक्ति शास्त्री सीखने चले गए। वृंदावन में श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर पहले से ही छठ गोस्वामियों के साथ भक्ति शास्त्री सीख रहे थे, वो वहां पर पहले से ही आ चुके थे। थोड़े दिन बाद जब हृदय चैतन्य ने अपने शिष्य कृष्णदास को एक लेटर भेजा, उसमें लिखा था कि कृष्णदास तुम अभी श्रीजीव गोस्वामी को पूरा सरेंडर हो जा, तुम उनकी हर एक सेवा प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक करना, उनका हर एक आज्ञा का पालन करना। तो वो उनको सरेंडर हो गए, वो उनको गुरु मानने गए। तो जब कृष्णदास ने श्रीमद् भागवतम में से भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं का श्रवण किया तो उनके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई। क्या इच्छा उत्पन्न हुई? कि वो एकांत में श्री राधा गोपीनाथ की सेवा कर पाए। उन्होंने यह इच्छा अपने गुरु श्रील जीव गोस्वामी के सामने प्रकट की। तो श्रील जीव गोस्वामी ने कृष्णदास से कहा कि तुम अब से रोज श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में झाड़ू लगाया करो। श्री राधा गोपीनाथ मंदिर निकुंज वन में था, उसको सेवा कुंज भी कहते हैं। तो कृष्णदास बहुत प्रसन्न हुए और वो वहां पर रोज झाड़ू लगाने लगे। एक दिन जब कृष्णदास सुबह वहां का झाड़ू मार रहे थे तो उन्हें एक सोने का नुपुर मिला। नुपुर मतलब पायल। उन्होंने सोचा कि यह सोने का नुपुर किसका हो सकता है। तो जब उन्होंने उस नुपुर को स्पर्श किया तो एक परम आनंद के अनुभव में डूब गए। उन्हें बहुत ही आनंद हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई, वो एक अलग ही परमानंद में डूब गए। तो उस अनुभव में वो इतने डूब गए कि वो कभी कभी उसे अपनी छाती से लगाते, कभी कभी उसे अपने सिर पर लगाते, नहीं तो कभी कभी उसे सूंघते। तो वहां पर गोलोक वृंदावन में राधा रानी ने देखा कि उनको ये एक नुपुर तो है ही नहीं, तो वो चिंतित हो गई और उन्होंने ललिता सखी को वहां पर बुलाया और कहा, देखो तो ललिता सखी, मेरी एक नुपुर तो है ही नहीं, कहाँ चली गई, लगता है घूम गई, तुम जरा ढूंढो तो, शायद निकुंज वन में या सेवा कुंज में गिर गई होगी, जरा तुम वहां ढूंढना तो सही। तो ललिता सखी समझ गई कि राधा रानी ने वो नुपुर वहां जान मूझ के छोड़ी है, क्योंकि वो एक बहुत ही सुंदर लीला में परिवर्तित हो जाए। तो ललिता सखी बिना कोई कमेंट किए निकुंज वन के लिए निकल गई। उन्होंने एक साधारण बालिका का रूप लिया और उन्होंने साधारण वस्त्र पहने थे, कोई ऐसा नहीं कि वो राधा रानी की सखी है, एकदम साधारण वस्त्र साधारण बालिका के रूप में आई। वो कृष्णदास के पास आई और उसने ललिता सखी ने कृष्णदास से पूछा कि तुम्हें यहाँ कोई नुपुर मिली है क्या? तो कृष्णदास ने कहा, हाँ हाँ मुझे एक सोने की नुपुर मिली है, क्या ये तुम्हारी है? तो ललिता सखी ने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरी नहीं, ये मेरी सखी की है, कृपया करके तुम मुझे ये दे दो। तो कृष्णदास को डाउट हुआ कि अगर इसकी कोई सखी हुई नहीं तो उन्होंने ललिता सखी से पूछा कि अगर ये तुम्हारी सखी की है तो तुम्हारी सखी क्यों नहीं है, तुम क्यों आई हो? हाँ हाँ। तो ललिता सखी कृष्णदास से बोलती है, कहती है कि मेरी सखी बहुत बड़े घर से है और वो शर्म के कारण लज्जा के कारण बाहर घर से बाहर नहीं आ रही थी और अभी तो सुबह है इसलिए वो नहीं आई, उन्होंने मेरी सखी ने मुझे भेजा है। तो कृष्णदास को वापस से डाउट हुआ तो उसने ललिता सखी से कहा कि एक काम करो, पहले तुम अपनी सखी को बुलाओ
और मैं ये नुपुर उसके पैर में नापूंगा, अगर उसे फिट हुआ तो मैं दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो ललिता सखी थोड़ा मुस्कुराई और वहां से चली गई राधा रानी के पास। उन्होंने सब कुछ राधा रानी को सुनाया जो कृष्णदास ने ललिता सखी को कहा था। तो राधा रानी ने कहा कि ठीक है चलो मैं चलती हूँ, तुम मुझे उस सेवा कुंज में लेकर चलो। तो ललिता सखी राधा रानी को सेवा कुंज में लेकर गई। वो कृष्णदास के पास गई राधा रानी और उन कृष्णदास से कहा कि आप कृपा करके मुझे अपनी ये नुपुर दे दीजिए। तो कृष्णदास ने जब राधा रानी को देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि आपको देखकर ही लगता है कि आप बहुत बड़े घर की हैं, और उन्होंने वो नुपुर उन्हें दे दी। तो राधा रानी ने पहले अपनी जो नुपुर है वो वहाँ की निकुंज वन की धूली पर लगाया और कृष्णदास के सिर पर लगाया और उसके एक उनके सिर पर एक तिलक बना। वो राधा रानी ने कृष्णदास से कहा कि यह तिलक सदैव तुम्हारे मस्तक पर रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। और राधा रानी ने कृष्णदास से कहा कि मेरा एक नाम श्यामा भी है और तुमने मुझे अपनी सेवा से बहुत आनंद दिया है, तुम्हारे मन में कोई भी डुप्लीसिटी नहीं है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम कृष्णदास नहीं श्यामानंद होगा। उसके बाद ललिता सखी आगे आई और उन्होंने कृष्णदास श्यामानंद पंडित से कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देती हूँ, तुम उसका रोज जाप करना। तो ललिता सखी ने उन्हें एक नया मंत्र दिया जिसे रोज जाप करें। जैसे ही ललिता सखी और राधा रानी वहां से चली गई तो श्यामानंद पंडित मूर्छित हो गए और जब उन्हें होश आया तो दौड़े दौड़े अपने गुरु श्रील जी गोस्वामी के पास गए और उन्हें सारी घटना बताई। तो श्रील जी गोस्वामी ने स्वीकार किया कि मैं आपको रोज श्यामानंद पंडित बुलाऊंगा और उन्हें एक आलिंगन दिया। फिर जैसे ही ये बात उनके पहले गुरु हृदय चैतन्य के पास गई वो बहुत गुस्सा हुए और उन्हें हृदय चैतन्य का एक संदेश भेजा कि ये क्या तुमने नया तिलक लगा दिया और अपना नाम भी बदल दिया श्यामानंद, हाँ, और नया मंत्र का जाप करना भी चालू कर दिया है तुमने। पर बाकी वचनों में बताते हैं कि हृदय चैतन्य वृंदावन में आए थे वहां पर, तो एक्चुअली वो आए थे और वहां पर आए थे तो वो श्रीलम वो उन्होंने उसे श्यामानंद नहीं बुलाया, उन्होंने कृष्णदास से बुलाया, कृष्णदास ये तुमने क्या नया मंत्र जाप करना चालू कर दिया है, नाम बदल दिया और तिलक भी बदल दिया। तो उन्होंने अपना कपड़ा लिया और उस तिलक को घिसने लगे ताकि वो मिट जाए, पर जितना वो उसे घिस रहे थे वो और क्लियर दिख रहा था। तो वो उन्हें क्षमा नहीं किया, वो नाराज होकर चले गए। और उस रात हृदय चैतन्य के सपने में श्रीमती राधा रानी आई और उन्होंने कहा कि हृदय चैतन्य मैंने ही तुम्हारे शिष्य कृष्णदास को नया तिलक दिया है और मैंने ही उसका नाम श्यामानंद रखा है, नया मंत्र मेरी ललिता सखी ने उन्हें से दिया है, इसलिए आप तुम उसे क्षमा कर दो। उसी वक्त हृदय चैतन्य उठे और श्यामानंद पंडित के पास गए और उन्हें एक आलिंगन दिया। देखिए श्रीमती राधा रानी कितनी कृपा में है ना, कि वो अपने भक्त से कितना प्रेम करती है, सारे भक्तों से कितना प्रेम करती है। हाँ, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की एक छोटी सी कन्फ्यूजन थी, वो स्वयं अपने सखियों के साथ उन्हें उनकी कन्फ्यूजन दूर हटाने के लिए आई। और यहाँ पर श्यामानंद पंडित पर कितनी बड़ी कृपा की। हमें आज के दिन श्रीमती राधा रानी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हम पर ऐसी ही कृपाएँ बनाए रखें। हरे कृष्णा।